हमीरपुर में शहरी कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इंदिरा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर सहित उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदानों को याद किया और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की एकता व अखंडता के लिए जो बलिदान दिए हैं, उनको याद करते हुए स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बताए गए रास्ते पर चलने का प्रण लिया गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को एक सुदृढ़ नेतृत्व दिया और भारत में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसीलिए आज कांग्रेस ने उनके बलिदान और देश के प्रति उनके समर्पण को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में आज पूरे हमीरपुर जिला में सभी ब्लॉक स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज जिला मुख्यालय में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनको पुष्प अर्जित करके श्रद्धांजलि दी गई। जहां तक आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने की आज शपथ ली है और साथ में ही ये संकल्प किया है कि जो कांग्रेस ने इस देश के लिए एक सोच बनाई थी और जिस तरह से आज इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, श्री राजीव गांधी जी ने और भी हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आज सभी ने एकजुटता के साथ संकल्प लिया। आज जहां इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आज तक क्या किया, आजादी के बाद क्या किया, तो आप देखेंगे कि जो कांग्रेस का इतिहास है, जो इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारी इन महान विभूतियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस देश के को आगे ले जाने के लिए आज कुर्बानियां दी और आज देश जो है आज एक विकासशील पूरे विश्व के अंदर विकासशील देशों में खड़ा है। तो आज उन्हीं विभूतियों की वजह से, उनकी जो कुर्बानियां हैं उनकी वजह से आज देश पूरे विश्व के अंदर एक मजबूत देश के रूप में, विकसित देश के रूप में खड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के कार्यकाल के अंदर, 4.5 साल के जो कार्यकाल रहा उनका, उन्होंने सिर्फ भाषण दिए, भाषण में ही उन्होंने जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश में लाखों लोगों को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाया जाएगा, काला धन वापस लाया जाएगा, 15 लाख रुपया हर किसी के खाते में डाले जाएंगे, परंतु सिर्फ वो उनके भाषणों तक ही सीमित रहा। आज देखेंगे कि बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और साथ में ही महंगाई जो एक चरम सीमा के ऊपर है और पूरा आज देश जो है, पूरे देश के अंदर आज हाहाकार मची हुई है। आज इस देश के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने सिर्फ कहा है, कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस जो है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और आने वाले जो लोकसभा ये जो चुनाव है उसमें जनता जो है भाजपा को उसका आईना दिखाएगी और जो देश के अंदर जो है फिर से कांग्रेस जो है सबका सीन।